हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे एडवांस वोकैबुलरीज क्यों सीखें, आखिर एडवांस वोकैबुलरीज आपको क्यों सीखना चाहिए। तो चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, सरकार को जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ा, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? बस समझ में आ गया, लोगों ने मास्क लगाने के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पुलिस ने उग्र भीड़ पर या फिर अनियंत्रित भीड़ पर लाठीचार्ज किया, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो समझ में आ गया होगा कि एडवांस वोकैबुलरीज का हमारी लाइफ में या फिर इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए कुछ ऐसे कलेक्शंस को हम लाए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। इसको हम मीनिंग के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में और एक एक पॉइंट को समझा कर बताएंगे ताकि आप इसका यूज़ सही से कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रक्चर्स बहुत सारा है, जैसा कि मैं पढ़ाता रहता हूँ, और वर्ड्स नहीं जानते, वोकैबुलरीज आपका कमांड नहीं है, तो इसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि आपके पास घर का नक्शा है लेकिन आपके पास ईंट सीमेंट बालू नहीं है, तो आप घर नहीं बना पाएंगे। उसी प्रकार वोकैबुलरीज बहुत ज़रूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है succumb to COVID-19। succumb to COVID-19 का मतलब हुआ कि कोरोना से दम तोड़ देना। succumb to मिस होता है किसी के सामने झुक जाना या फिर दम तोड़ देना, मृत्यु हो जाना। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव succumb to COVID-19 येट। मतलब अब तक कोरोना से हजारों लोग की मृत्यु हो चुकी है, हजारों लोग दम तोड़ चुके हैं। तो अब सेकम टू यहाँ पर वर वन है और इसे अपने तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टेंस और मॉडल वर में इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सेकम टू इंजरी। जैसा कि आपको हम बताएं कि सेकम मिस होता है किसी के सामने झुक जाना, हार जाना। सेकम टू इंजरी मिस होता है किसी घटना में दम तोड़ देना। मान लीजिए कोई घटना घटी और उसमें लोगों की मृत्यु हो गई। सेंटेंस को देखेंगे, टू पैसेंजर्स सेकम टू इंजरी ऑन द स्पॉट, मीन्स घटनास्थल पर ही दो पैसेंजर की मृत्यु हो गए। तो सक्कम टू इंजरी मिस होता है किसी घटना में किसी व्यक्ति की जान चली जाना। उसके बाद फिर हम देखेंगे सक्कम टू प्रेशर, किसी के दबाव में झुकना। याद रखेंगे जितने भी हम यहाँ पर वोकैबुलरीज को बता रहे हैं और सेंटेंस को बता रहे हैं, तो इन सभी को प्रैक्टिस करना है, तो समझना जरूरी है। सक्कम टू प्रेशर मिस होता है किसी के दबाव के आगे झुक जाना। जैसे द गवर्नमेंट सक्कम टू पब्लिक प्रेशर एंड रिलीज द अपोजिशन लीडर, सरकार ने जनता के दबाव के आगे झुक गया और जो अपोजिशन पार्टी है उसको छोड़ दिया, मतलब गिरफ्तार था उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम देखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, रिजॉर्ट टू लाठीचार्ज। रिजॉर्ट मिस होता है किसी चीज़ का मदद लेना या सहारा लेना। तो सेंटेंस स्क्रिप्ट में कैसे होगा, रिजॉर्ट टू लाठीचार्ज मिस होता है लाठी चलाना या फिर लाठीचार्ज करना। तो लाठीचार्ज का इंग्लिश भी लाठीचार्ज होता है लेकिन रिजॉर्ट का यूज अक्सर होता है, यानी कि लाठीचार्ज का सहारा लेना किसी वीर को नियंत्रित करने के लिए, उसे हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लेना। सेंटेंस क्या है, पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठी चार्ज टू डिस्पर्स एन इरेट मॉब, उग्र भीड़ को हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए। डिस्पर्स मिस होता है तितर बितर करना, भगाना। तो पुलिस ने उग्र भीड़ को, इरेट मॉब मिस होता है उग्र भीड़, तो उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। और उसी प्रकार फिर हम देखेंगे यहाँ पर रिजॉर्ट टू बैटन चार्ज। अब बैटन चार्ज मिस होता है डंडा लेकर के चलाना, बात बराबर है, दोनों को सेम तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे डंडा चलाना या डंडा से पीटना। जैसे द लोकल पुलिस रश टू द स्पॉट, पुलिस को समझेंगे कि लोकल पुलिस जल्द और शीघ्रता से घटनास्थल पर पहुंचा और यहाँ पर रिजॉर्ट टू बैटन चार्ज, और फिर उसने लाठी चार्ज किया या फिर बैटन चार्ज किया, डंडा चलाया। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे रिजॉर्ट टू फायरिंग। मतलब ये हुआ कि कभी कभी भीड़ ऐसा अनियंत्रित हो जाता है कि पुलिस को फायरिंग करना पड़ता है, फायरिंग का सहारा लेना पड़ता है, फायरिंग का मदद लेना पड़ता है, फायरिंग करना पड़ता है। तो रिजॉर्ट टू फायरिंग मिस होता है गोली चलाना या फिर फायरिंग करना। तो सेंटेंस स्क्रिप्ट में देखेंगे, पुलिस रिजॉर्टेड टू फायरिंग ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ CM। पुलिस को फायरिंग करना पड़ा, पुलिस ने फायरिंग किया। क्यों, तो कुछ जो प्रोटेस्ट करने वाले थे CM के आवास के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने फायरिंग किया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर रिजॉर्ट टू वायलेंस का मतलब है हिंसा करना, फिर हिंसा को बढ़ावा देना। तो
An unruly mob resorted to violence during protest. An unruly mob का मतलब है कि अनियंत्रित भीड़. An unruly mob means अनियंत्रित भीड़. Resorted to violence का मतलब हिंसा किया. During protest क्या प्रदर्शन के दौरान में जो अनरूली मॉब है उसने हिंसा किया. उसके बाद फिर हम देखेंगे एक्सप्रेस कंसर्न ओवर मिस होता है चिंता व्यक्त करना या चिंता जाहिर करना. किसी भी मैटर पर कोई दुखद घटना है अब उस पर चिंता व्यक्त करना चिंता जाहिर करना. सीएम एक्सप्रेस्ड द सीएम एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द सडन राइज इन कोरोना स्प्रेड. सीएम ने मतलब चीफ मिनिस्टर ने कोरोना जो अचानक बढ़ी है इस मामले पर इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की या चिंता व्यक्त की. तो एक्सप्रेस कंसर्न ओवर मिस आप याद रखेंगे चिंता जाहिर करना चिंता प्रदर्शित करना चिंता व्यक्त करना. उसके बाद फिर हम देखेंगे एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर मिस दुख व्यक्त करना. मान लीजिए किसी घटना में किसी का हताहत हो गई मौत हो गई तो उस पर लोग दुख व्यक्त करते हैं. तो सेंटेंस ग्रुप में देखेंगे द मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर द अनटाइमली डिमाइज ऑफ द एक्टर. सेंटेंस में भी कई वर्ड्स आते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है. सेंटेंस में भी कई वर्ड्स आते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है. अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर तो समझ गए कि दुख व्यक्त करना. अनटाइमली डिमाइज मिस होता है और असामयिक निधन का मतलब समय से पहले किसी की मृत्यु होती है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे अनटाइमली डिमाइज. अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्रेस एंगर एट का मतलब क्रोध व्यक्त करना गुस्सा जाहिर करना गुस्सा प्रकट करना. सेंटेंस ग्रुप में देखेंगे द पीपल ऑफ द स्टेट एक्सप्रेस्ड देयर एंगर एट सीएम. राज्य के लोगों ने राज्य की जनता सीएम पर मुख्यमंत्री पर अपना गुस्सा प्रकट किया. तो क्या याद करना है एक्सप्रेस एंगर एट मिस होता है गुस्सा प्रकट करना गुस्सा जाहिर करना. उसके बाद फिर हम देखेंगे एक्सप्रेस ओपिनियन मतलब अपनी विचार को प्रकट करना विचार को जाहिर करना. तो विचार प्रकट करना सेंटेंस प्रोटेस्टर्स मीन्स प्रदर्शनकारी एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियन अपना विचार प्रकट किया ओवर प्राइस हाइक इन फ्रंट ऑफ द मिनिस्टर. मान लीजिए मिनिस्टर के सामने मिस्टर उग्र मन लोगों के भीड़ में आए और उनसे विचार विमर्श हुआ तो उसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं जो विरोध करने वाले हैं जो प्रदर्शनकारी हैं उसने प्राय सहायक मिस होता है मूल्य वृद्धि और मूल्य वृद्धि पर अपना विचार प्रकट किया. उसके बाद देखेंगे एक्सप्रेस फीलिंग. एक्सप्रेस फीलिंग्स मिस होता है भावनाओं को प्रकट करना. आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं तो उसके लिए एक्सप्रेस फीलिंग्स बोल सकते हैं. कई बार आप एक्सप्रेस लव बोलते हैं किसी प्रेम को जाहिर करना प्यार को प्रकट करना प्यार को प्रदर्शित करना या जाहिर करना. तो उसी तरह एक्सप्रेस फीलिंग्स भी होता है तो भावनाओं को प्रकट करना. सेंटेंस देखेंगे द डीएम एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ द लोकल्स ऑन द ईव ऑफ द फेस्टिवल. मान लीजिए कोई फेस्टिवल है और उसमें लोगों के बीच में डीएम आ गए हैं तो डीएम ने अपने भावनाओं को फेस्टिवल के एक दिन पहले ऑन द ईव ऑफ मिस होता है पूर्व संध्या पर. तो फेस्टिवल के पूर्व संध्या पर जो प्रोग्राम अरेंज किया गया था उसमें डीएम ने अपने भावनाओं को प्रकट किया. और इसी प्रकार फिर और देखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस एंड इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि दिलचस्पी या रुचि जाहिर करना. मान लीजिए किसी काम में आपकी रुचि है कोई काम आपको अच्छा लगता है आप करना चाहते हैं तो आप रुचि जाहिर करते हैं. सेंटेंस देखेंगे द चिल्ड्रन एक्सप्रेस इंटरेस्ट टू लर्न डांसिंग. बच्चों ने डांसिंग सीखने के लिए अपना दिलचस्प जाहिर किया अपना रुचि जाहिर किया. तो याद क्या रखना है एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट और इन डूइंग समथिंग ऐसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस सरप्राइज एट किसी भी मैटर पर सरप्राइज व्यक्त करना जैसे आश्चर्य व्यक्त करना. सेंटेंस देखेंगे द साइंटिस्ट एक्सप्रेस्ड सरप्राइज एट अ 95 ईयर ओल्ड मैन फॉर द रिकवरी फ्रॉम कोविड 19. मान लीजिए इसका यहाँ देखेंगे कि जो 95 ईयर ओल्ड मैन थे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनकी कोरोना से रिकवरी हुई कोरोना की बीमारी से मुक्त हुए तो इस मैटर पर साइंटिस्ट ने एक आश्चर्य व्यक्त किया एक सेंटेंस है इस तरह से. उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर टुडेज क्वेश्चन आज का सवाल आपने जो भी सीखा उसे क्वेश्चन जैसे बच्चों ने अंग्रेजी सीखने में अपना दिलचस्पी जाहिर की अभी आपको हम बताए थे तो हम उसका यूज़ करेंगे. फिर से देखेंगे बच्चों ने अंग्रेज़ी सीखने में अपना दिलचस्पी जाहिर की इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे.
क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंस में है, और अगर इस तरह से आप लिखना बोलना सीख लेते हैं तो एडवांस तरीके से आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो चलिए प्रीवियस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यह सड़क कहाँ जाती है, कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यह सड़क कहाँ जाती है किस प्रकार बोलेंगे, वेयर डज दिस रोड लीड टू, और ये आप लोग बता चुके हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है और आप लोगों ने सही बताया था, बिल्कुल सटीक आंसर आप लोगों का रहा। तो वेयर डज दिस रोड लीड टू, इस तरीके से बोलेंगे यह रोड कहाँ जाती है। अनेक तरीके से, एक बात और है कि किसी भी सेंटेंस को अनेक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतर है वो हम आपको बतलाते हैं। तो चलिए इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और पूछे गए सवाल का जवाब देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।